हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बताएंगे कोट की स्लीव्स के चाक किस तरीके से बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने ये बिछा लिया है। अब इसको मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इजी मेथड से, आपको एक ही बार में ही समझ में आ जाएगा। ये देखिए, इसको हल्का सा मैंने चिपका लिया है। ये देखिए, ऊपर का हिस्सा सीधा वाला है ये हमारा। ये हमने सिलाई लगा के रख लिया है। और नीचे का हिस्सा इसमें बड़ा कटता है, ये आप 1.5 इंच कम से कम काट लें। तो चलिए, इसे पहले हम प्रेस से फलका लेते हैं हल्का सा, और इसके चरमा कर लेते हैं सामने वाली साइड को। कुटका लगा लेंगे हम इसमें। इससे ये है, बाजू हमारी ऐठेगी नहीं। इसको हम चरमा कर लेते हैं। ये देखिए, इसको प्रेस से क्रीज बना लेते हैं। ये हमारी क्रीज बन गई है। ये देखिए, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको एक से एक ज़बरदस्त चीज़ शेयर करता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको हम नाप लेते हैं 1.5 इंच। आप चाहे पहले ही इसको क्रीज बना लें, या चाहे बाद में भी बना सकते हैं। ये हमारे यहाँ काज बन जाएंगे। अब ये देखना है आपको कि किस तरीके से हमें ये करना है। हमें ये कुटका लगाना है यहाँ पर, दोनों साइडों में हमारा कुटका आएगा। ये कुटकर इस साइड में भी आएगा हल्का सा। यहाँ से हमें अब सीधी कुटके से कुटका मिलाकर, और ये हमारी नोक है जो यहाँ से और यहाँ तक हमें सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई हमारी आप चाहें तो मार्क भी कर सकते हैं पेन से या पेंसिल से। आपको ये हमारी सिलाई लग चुकी है, देखो ये इस नोक से वहाँ जो हमने कुटके लगाए थे वहाँ तक हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अभी जो हमारा एक्स्ट्रा है इसको हम काट भी देंगे, या चाहे आपकी मर्जी ऐसे भी रहने दें। बेहतर यही है कि इसको हम काट दें। पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारी झोल तो नहीं आ रही है। अब प्रेस से हम इसको बिठा लेंगे अच्छी तरीके से। हमारी बिल्कुल सही आ चुकी है ये। ये देखिए आप, ये बहुत इजी होता है बनाने के। इसके काफ़ी तरीके हैं, मैं हर तरीका आपको बता दूंगा। ज़्यादातर लोग इसको बना नहीं पाते हैं, लेकिन अब वो वीडियो देखकर बना लेंगे। इसको हमने काट लिया है। इसको हम चरमा कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट देंगे। प्रेस से हम इसको चरमा कर लेते हैं। ये हमारा चरमा हो गया। इसको अच्छी तरीके से नोक निकाल देंगे इसकी। ये देखिए, प्रेस से इसको भी बढ़िया करके कर देंगे। नोक भी अच्छी सी निकली है। ये देखिए कितनी खूबसूरत आई है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ हमारे काज बनेंगे। तीन काज आएंगे, दो तीन। इस तरीके से बटन लगाएगा उस पर, और बहुत ही अच्छी लगती है। अभी बनती है, गल्फी बोलते हैं इसको। ये देखिए, इतना हमें छोड़ना है यहाँ से, आधा इंच। उसके बाद आधे इंच के बाद ही निशान लगता है हमारा काज का। एक यहाँ पर हमारा काज आएगा,
ये देखिए काज हमारे बन चुके हैं यहाँ पर। अब इसको प्रेस से ठीक कर लेते हैं। ये देखिए इसको प्रेस से ठीक कर लेते हैं। ये इसको देखा, इसको भी हमें कुटके से मिलाना है। ये देखिए बहुत यहाँ से सीधी सिलाई लेनी, थोड़ा सा हिस्सा हमें छोड़ देना ऊपर वाला हल्का सा, सीधी सिलाई आएगी हमारी। बहुत इजी मेथड है। ये देखिए सिलाई हमने लगा ली, यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया, हल्का सा ऊपर से उड़ा देंगे जिससे नोक हमारी अच्छी निकले। ये देखिए इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारा बटन वाला हिस्सा होता है जो हमने हिस्सा छोड़ा था थोड़ा सा, वो अस्तर जमाने के लिए छोड़ा था। ये देखिए यहाँ से हमारा अस्तर आएगा। इसको हमें कच्चा डाल देना है यहाँ से ऐसी। इसको कर लेते हैं उल्टा। यहाँ हमें हल्के से कुटका लगा देना है। यहाँ से हमारा अस्तर जुड़ता हुआ जाएगा। यहाँ से हम अस्तर को ज्वाइन करेंगे और ओवरऑल दोनों राउंड को ले लेंगे। दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो मैं एक और भी तरीके आपको दिखा दूंगा जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। काफ़ी तरीके होते हैं गल्फी बनाने के लिए। कोट स्लीप्स चाक, चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा।